हेलो भाइयों, और क्या हाल चाल है। नए व्लॉग में आप लोग का स्वागत है भाई। और सब बढ़िया भाई। आज का व्लॉग बनाते हैं नॉर्मल डे पर, कुछ खास नहीं है। अपना स्कूल जाएंगे, उसके बाद जॉब है, जॉब जाएंगे और कुछ बढ़िया चीज़ दिखेगी तो वो दिखा देंगे, और एक दो टॉपिक है उसके बारे में बात कर लेंगे भाई। आज के व्लॉग में आप लोगों को ये दिखने को मिलेगा। आँखें यार कहोगे आप लोग, कहोगे जब देखो ये व्लॉग स्टार्ट करता है, जब ये इसकी आंखें सूजी सूजी सी नज़र आती है भाई, क्या करें, नींद ही पूरी नहीं हो पाती है। फिर उठ कर स्कूल जाओ, जॉब जाओ, तो भाई आप लोगों को ऐसे ही सूजी सूजी आंखें मिलती है। कोई नहीं, देखते हैं इसका भी। चलो अब चलते हैं स्कूल भाई, पहले ही 5 मिनट लेट हो रखा हूँ। अब पेपर स्टार्ट होने वाला है अपना, रोल प्ले आज है, काइवा का टेस्ट में स्पीकिंग का रोल प्ले होएगा। अभी पहले बच्चे का नंबर आ गया, तीसरा नंबर हमारे भाई का है। चलो चलते हैं, आके देखो कैसे सूजी सूजी लग रही है, पर कोई नहीं, चलते हैं भाई, टेस्ट देखते हैं, रोल प्ले करेंगे काइवा। जब आए अपना लंच करने के लिए पहुँच गया सिंधु। अभी तो टाइम है जॉब में, तो थोड़ा सा होमवर्क करना था, तो मैकडॉनल्ड्स में बैठ कर होमवर्क करेंगे और अपना लंच भी करेंगे। ये मिल गई रिसिप्ट, 428 नंबर है। अभी नंबर तो बहुत बाकी है, अभी और के नहीं दिखेगा स्क्रीन पर, यहाँ नंबर होते रहते हैं। अपना ले लिया, वेट करते हैं, आएगा 5-10 मिनट में। आप ऊपर सामान लेकर ऊपर चलेंगे सेकेंड फ्लोर पर। चलो भाई ये पानी भाई सब क्या बच्चे सारे लगा रहे हैं। कोई नहीं, हम लेट हो रखे अपने जॉब के लिए, जॉब पे चलते हैं भाई सब। हाँ देखो सब फोटो शूट और किस स्टारबक्स के बाहर बैठे रहेंगे भाई सब। चलो कोई नहीं, इतना टाइम हो गया काम के लिए। अच्छा, जब भी मैं चिकन बिरयानी या कुछ भी लेने आता हूँ ना पैक करवाने, भैया फ्री में ही लस्सी दे देते हैं, हमेशा फ्री में दे देते हैं लस्सी, कहते हैं पी ले तो। तो भाई ये इधर है मेरे घर के पास, बिल्कुल कई बार वीडियो में भी दिखाया है, इधर आता हूँ मैं खाना खाने। ये रे भैया, तो इधर के हैं, देख सकते हो भाई, मैंने आप लोगों को अभी भी दिखाया। ये भैया थे, इनका नाम तो मैं भूल गया, लेकिन इनका इनकी शॉप का नाम है खाना पीना। अरे मेरे घर से बिल्कुल 4-5 मिनट की दूरी पर ही है, पैदल बहुत पास में है भाई, तो मैं इधर ही खाना खाता हूँ अपने सारे दोस्तों को लेकर। मेरे पास जी आए थे या मेरे जापानीज फ्रेंड कोई भी इस साइड आता है तो मैं उनको अगर इंडियन खाना खाना हो तो यहीं लेकर जाता हूँ। बढ़िया है, थोड़ा थोड़ा अब थोड़ा क्लोजनेस होने लग गई है, पहले इतनी नहीं थी, पहले ठीक थी, बातचीत होती थी। अब तो मैं जब भी जाता हूँ या कुछ पैक करवा कर ले जाता हूँ तो भाई फ्री में दे देते हैं, कहते हैं लस्सी पी ले। मैं चलो ठीक है पी लेते हैं भाई, और टेस्टी होती है इनकी लस्सी, और ऐसी बात नहीं है, उनका खाना भी टेस्टी होता है भाई। चलो भाई अब चलते हैं, अब बातचीत करते हैं कुछ सैलरी के बारे में और यहाँ पर रेंट पे घर कैसे लिया जाता है। और ये जो मैंने दिखाई है ना, आप थोड़ी बहुत शॉपिंग करी है उसके बारे में बताऊँगा। जैसे ये 100 yen शॉप है ना, इस पर अच्छे से वीडियो बनाऊँगा एक कम्प्लीटली, इसलिए मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई आप लोगों के लिए, बस थोड़ी सी बनाई कि ये 100 yen की शॉप होती है। चलो भाई चलते हैं। अब बिरयानी खाएँगे, देखने में तो बड़ी टेस्टी लग रही है, होगी भी टेस्टी। चलो भाई खाते हैं हम जल्दी से। हाँ भाई अब करते हैं बात, एक बार कॉम्बिनी तक जा रहे थे, मैंने सोचा अब करते हैं बात अच्छे से। भाई कई भाई पूछ रहे मेरी सैलरी कितनी है, मैं कितना कमा लेता हूँ और कितनी सेविंग कर लेता हूँ। तो भाई कि हम भी स्टूडेंट वीज़ा पर आएँ तो पार्ट टाइम जो से कितना कमा सकते हैं कितना नहीं, तो भाई मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, मैं अपनी सैलरी तो मैं एग्जैक्टली कैसे बताऊँ आप लोगों को, बट इतना बता देता हूँ कि आप इतना कमा सकते हो कि भाई अपनी जो मंथली रेंट होता है, खाने पीने का होता है, उसके रुपया आप आराम से दे सकते हो, उसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी, और ऊपर से आप लोग बचा भी सकते हो अगर आप लोग बताना चाहते हो तो। और वो डिपेंड करता है इंसान कितना उड़ाता है, मतलब ज़्यादा खर्चीला बंदा है तो भाई वो ज़्यादा खर्च करेगा, अरे गलत गली में आ गए, और भाई कम उड़ाने वाला है तो वो कम उड़ाएगा, तो डिपेंड करता है इंसान पर, और डिपेंड भी करता है भाई कहाँ आ रहा है। अगर वो टोक्यो मारा है तो उसकी वेजेस बढ़िया मिलेगी, मैं सिर्फ 28 घंटे जॉब करता हूँ और देख लो भाई अपना खर्चा भी चला देता हूँ और बचा भी लेता हूँ, तो उसकी जॉब की वेजेस पर डिपेंड होगा, क्योंकि टोक्यो में अलग अलग वेजेस है, कम वेजेस वाली भी हैं नौकरियाँ और ज़्यादा वेजेस की भी है, वो डिपेंड करता है आपकी जॉब पर। तो आप बचा, हाँ मेरा ये कहना है कि भाई
आप लोग बचा सकते हो अगर आप लोग बचाना चाहते हो तो। अब आता है भाई कि टोक्यो में रहते हैं तो कितना खर्चा आता है भाई, पर बंदे का आता है 1,00,000 येन की बात कर रहा हूँ मैं, रुपये की नहीं, 1,00,000 येन आता ही आता है। हाँ और ऊपर जा सकता है वो आप लोगों पर डिपेंड है, और अगर आप लोग दो जने रह रहे हो तो भाई वो भी डिपेंड करता है, अगर आप दो जने रह रहे हो तो कम भी हो सकता है, बट अकेले बंदे का रहने का खर्चा 1,00,000 मिनिमम लेके चलो चलो, इससे ऊपर बेशक हो सकता है। तो भाई ये था अपना कि कितना एक्सपेंसिव नॉर्मली होते होते हैं, जो नॉर्मली एक्सपेंसिव है, अलग से बात नहीं करें, नॉर्मली वालों की बात कर रहे हैं भाई। अब मेरी सैलरी मत पूछना मेरी कितनी है, मैंने बता दी है कैसे क्या होता है। भाई हाउस रेंट पे कैसे ले सकते हैं वो बताता हूँ मैं आप लोगों की, कि टोक्यो में क्या कहीं भी हाउस कैसे रेंट पे लिया जाता है और टोक्यो में क्या दिक्कतें आती हैं हाउस रेंट लेने में, क्योंकि यहाँ का सिस्टम थोड़ा सा अलग है भाई क्योतो से, कि मैं क्योतो में भी रहता था तो मुझे पता है क्या डिफरेंस है, वो बताता हूँ मैं अब आप लोगों को। अब भाई अपना ब्रेक हो गया है, काम कर रहे थे अभी, 1 घंटे का ब्रेक है, इरा काबुकी टावर भाई सब, इरा स्टारबक्स सब फोटो खींचने में लगे हुए हैं। आज थोड़ी सफाई है क्योंकि आज सफाई करी थी इधर, वरना वो होमलेस बैठे रहते, देखो वो रे होमलेस उधर है भाई, अभी आराम से बैठे। चलो फैमिली मार्ट चलते हैं, यहाँ से कुछ खरीदते हैं, उसके बाद कुछ खा कर फिर मैं आप लोगों से दोबारा मिलूँगा और भाई अपनी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, जो कि रह रखी है अपनी कंटिन्यू। चलो भाई खरीदते हैं पहले जल्दी से, ये लिए अपनी फेवरेट कहाँ पर है ब्रेड, यही मिल गई। चलो भाई चलते हैं बाद में मिलते हैं। अपनी ये वाली ब्रेड, ये वाली ये चॉकलेट की ब्रेड है भाई, और ये कॉफ़ी है, इसमें दूध है, दूध तो कमी होता है लेकिन मीठी होती है, मुझे मीठी वाली पसंद है। चलो भाई खाते हैं उसके बाद करेंगे बात, बाद में करेंगे बात। लो भाई इस टाइप की होती है फुदोसान की शॉप, ये बाहर लगे हुए हैं कई होके तो शीशे पर, ये नंबर ऐसे नाम लिखा रहता है, देख सकते हैं भाई। वीडियो बनाने के लिए पता नहीं क्या क्या एंगल लगाने पड़ते हैं, मेरे पास दूसरा फोन नहीं है ना, मैं दिखा दूं कि मैंने क्या जुगाड़ लगाया है ये वीडियो बनाने के लिए, कि इस टाइप से फिर भी मोबाइल मतलब रुक नहीं रहा। चलो भाई ऐसे ही करके बनानी पड़ेगी। तो भाई मैं बताता था कि हाउस रेंट पे कैसे ले सकती हैं भाई जापान में, आप लोगों ने अभी भी देखी होगी भाई जो मैंने अपनी ये उनकी शॉप्स दिखाई है रेंट की नहीं, ये फुदोसान की। इधर क्या होता है जापान में, आप डायरेक्ट कभी भी बताऊं घर खुद नहीं ले सकते हो, आपको फुदोसान के पास जाना पड़ेगा। फुदोसान होते हैं भाई बीच का आदमी, उसको हिंदी में क्या कहेंगे, इंग्लिश में अरे डीलर कह सकते हो एक तरह से। यहाँ पर आप मालिक के तो मिलते ही नहीं सकते, जैसे कि मैं क्योतो में रहा था 10 महीना, मुझे पता ही नहीं था मेरा मालिक कौन है, बस उसका नाम पता था डॉक्यूमेंट्स में लिखा था, जो कि मुझे याद नहीं है, ना ही मुझे अपना टोक्यो का पता है, उस पर भी डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है मेरे मालिक का बट मुझे नहीं पता। जैसे मैं फर्स्ट टाइम गया था तो फुदोसान ने मिलवाया था कि यहाँ पर ऐसे ऐसे घर है, उसने घर दिखाया मुझे ऑनलाइन की इतनी इतनी है। पहले तो वो पूछता है कि बजट कितना है आपका, वो बजट क्या आप बजट बताते हो, आपका बजट कितना है, अकेला रहेगा दो जने रहेंगे, उसके हिसाब से फिर वो घर दिखाता है, कौन सी जगह रहना है, स्टेशन से पास रहना है दूर रहना है, उसके हिसाब से भी आपकी प्लेस की जगह प्लेस पर स्टेशन से कितना दूर है उस पर डिपेंड करता है आपका कितना वो है रेंट, और नई बिल्डिंग है थोड़ी पुरानी है उस पर भी डिपेंड करेगा भाई, ये होता है सिस्टम दिखाने का। फिर आप ले लेते हो ना, डिसाइड कर लेते हो, तो उसमें फिर आपको मनी देनी पड़ती है, अलग अलग की मनी होती है, 1 महीने का रेंट होता है और कुछ इंश्योरेंस होते हैं उसकी पे करने पड़ते हैं आपको पहले मंथ में सब कुछ। उसके बाद आपकी आएगी कॉल, जो आपका गारंटी वाली कंपनी होगी, यहाँ पर क्या होता है गारंटी कंपनी गारंटी करती है कि आप पे नहीं करोगे ना कंपनी पे करेगी उस पर, तो उसका फोन आता है और वो आपका बैकग्राउंड चेक करते है कि आप इस लायक हो नहीं हो कि आप उस रेंट को भर सको हर महीने, तो वो पूछते हैं भरेंगे कैसे, वो कहेंगे हम भरेंगे, तो आपकी कितनी सैलरी, आप स्टूडेंट हो तो आपका वो मना कर देंगे, तो वो आपके एक अगर मेरे फादर भरेंगे या मेरे पेरेंट्स भरेंगे, तो वो पेरेंट्स के पास फोन करते हैं। यहाँ तक कि क्यों तुम इतना वो स्ट्रिक्ट नहीं था, जैसे मैंने कहा कि मेरे फादर भरेंगे तो उन्होंने मान लिया और जब ही कर दिया, बट टोक्यो में लेते समय भाई मेरा एक बार रिजेक्ट हो गया था क्योंकि उन्होंने मेरे पास कॉल करा, मैंने उठाया नहीं और मैं पाइतो पर था, तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद टोक्यो में फिर से मैं आया, मैंने सेलेक्ट किया, उसके बाद मेरे फादर के पास भी फोन किया। टोक्यो में थोड़ा स्ट्रिक्ट है भाई, आपके परिवार के पास फोन करेंगे कि आपका बेटा यहाँ यहाँ पढ़ता है, यहाँ यहाँ रहता है, आप क्या उसका वो घर ले रहा अकेला रह रहा है रेंट पर, आप क्या उसका हर महीने
दे पाओगे रेंट? तो वो कहेंगे हाँ हम दे पाएंगे, तो वो विश्वास करेंगे। और यहाँ तक कि मेरे पापा को इंग्लिश या जपनीज तो आती नहीं, तो उन्होंने उनके कॉल सेंटर पर अलग अलग देश के बैठे होते हैं। जैसे नेपाली लड़की ने कॉल करा था, तो भाई वो आपका पूरा बैकग्राउंड अच्छे से चेक करते ही करते हैं ना भाई, कि ऐसे जाओगे आ कर दोगे हाँ, और इतना वो थोड़ा आसान नहीं होता भाई। टोक्यो में लेना क्यों तो, और ओसाका का पता नहीं, बट थोड़ा कंट्री साइड में आसान होता है, यहाँ थोड़ा मुश्किल होता है। यहाँ पूरा प्रोसेस होता है भाई, उसके बाद आपको की दे देंगे, आप अपना घर देख लो स्टार्टिंग में, कहीं से टूट फूट तो नहीं है, कहीं से कुछ नहीं, अपनी वीडियो बना लो या उसी टाइम फुदोसान को दिखा दो। आप फुदोसान के साथ जाओगे भी घर देखने, वो आपका ट्रेन ट्रेन का या जैसे भी गाड़ी में ले जाएगा, वो उसका खर्चा भी देगा, आप अपने उस पर नहीं जाओगे। तो भाई ये था घर का सिस्टम। यहाँ पर क्या आता है, खुद से नहीं ले सकते हैं, खुद से नहीं ले सकते भाई, फुदोसान से लिया जाता है, और मालिक से तो मिल ही नहीं सकते। मैं तो आज तक मिला ही नहीं हूँ भाई, कौन है कौन नहीं। तो भाई इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। घर के बारे में अगर कुछ समझ में ना आया हो, और हाउस टूर भी भाई मैं जल्दी जाऊंगा अगले हफ्ते, क्योंकि इस हफ्ते के एंड में मेरी छुट्टियां आ जाएंगी, फिर मैं जा रहा हूँ सापरो। जल्दी आपको सापरो होकाइदो की वीडियो भी दिखाऊंगा। और भाई किसी भी टॉपिक पर कोई वीडियो बनानी हो तो कमेंट करके बता देना। और ये मैक्स भाई का एक आया था, मैक्स पर वो बनाओ वीडियो, उस पर भाई मैं थोड़ी सर्चिंग कर रहा हूँ, खुद एक बार अच्छे से देख लूँ, उसके बाद जल्दी बनाऊंगा इस पर वीडियो। ठीक है भाई, अब मेरा ब्रेक भी खत्म होने वाला है, इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, अभी काटते हैं और छुट्टी होने के बाद इसकी एंड कर देंगे इस वीडियो को। चलो भाई इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मूड थोड़ा खराब है क्योंकि यार 10 बजे जॉब खत्म हो गई थी, 40 मिनट तक मैनेजर के साथ वेट कर अपनी शिफ्ट करी। एक तो समझ में नहीं आता भाई, कंपनी का रूल अलग, भाई सरकार ने जो बना रखा है उसका रूल अलग, और भाई स्कूल वाले कुछ और कहते हैं उसका रूल अलग। मतलब है तो वही सेम कि जो रियोगा से है, मतलब फॉरेन स्टूडेंट एक हफ्ते में 28 घंटे कर सकते हैं, बट जो रूल है कि कौन से दिन तक एक हफ्ता होता है, स्कूल वाले कहते हैं मंडे टू संडे। अब भाई सब कंपनियों का अलग अलग रहता है, वो कहती है हमारा हफ्ता अलग है, और भाई रूल कहता है कि किसी भी दिन से किसी भी दिन तक एक हफ्ता होना चाहिए। अब भाई सबके अलग अलग, तो भाई उसी में ही 40 मिनट लग गई, क्योंकि मैनेजर ने शिफ्ट बना दी, उसने ऑनलाइन देखा, फिर उसने चेंज करा, फिर मुझे बुलाया, फिर मुझसे पूछा, हाँ मेरे समझ के बाहर है, फिर उसने करी भाई। फिर अभी भी कहा था कुछ चेंज हो भी सकता है नहीं भी, तो उसी में दिमाग ख़राब हो गया भाई। चलो ठीक है कोई नहीं, ये तो चलता रहता है भाई। ठीक है भाई, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट भाई, अगली वीडियो किस चीज़ पर बनाए, और भाई ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो कि कैसी लगी वीडियो, और भाई सब्सक्राइब भी, सब्सक्राइब करना मत भूला करो यार, जल्दी जल्दी अपने सब्सक्राइब 1000 करो, फिर एक Q&A की वीडियो बनाएंगे जल्दी, फिर उसमें पूछना जो पूछना है आप लोगों को। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, बाय बाय। हाँ, और इंस्टाग्राम पर फॉलो भाई, इंस्टाग्राम में भूल ही गया था, आईडी आती होगी। चलो बाय बाय।